डाली डाली फूलों। मैं आपका अपना दीपू भाई बैठ के पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भाई लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो बढ़िया, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से गांव में काफ़ी मस्ती करी, तो फिलहाल फिर से वही टाइम आ गया है बैक टू दिल्ली का। अभी चल रहे हैं यहाँ से, और चाची भी चल रहे हैं हमारे साथ, तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या मस्ती होती है। आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़, और इन्जॉय कर। हनुमान सारा रख दिया है, और सुबह के अभी हो रहे हैं 5:30। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, नीचे से ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, क्योंकि नीचे से बहुत, ये देखो नीचे से बधेर रखा है पूरा तका वाला। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से, सबसे विदाई लेते हुए। चल रहे हैं दिल्ली को, सामान वामान रख लिया सब। बाय 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 बाय। मानु बासु आगे से भाग रहे हैं, ये मानु बासु के सर में रखो एक एक झोला। गाइस हालत प्रस्त है, सामान लाते लाते थकान लग रही है सबको, थकान लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत हालत खराब। ये दो सामान लाते लाते ये भानु वैसे खाली मजे लेते आ रहे हैं और चिढ़ाते हुए। अब ये हमको चिढ़ा रहे हैं कि हम छोले खाएंगे। हाँ, अभी इनकी वीडियो तो बनाऊंगा जब इनको उल्टी होगी। पहुँच गए हम अपने स्टैंड पे, यहाँ से आया आएगी अब गाड़ी, फिर चलेंगे। चल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय। बैठो 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 बैठो। क्या जबरदस्त गजुले आगे। फिलहाल पहुंच गए हैं बाजखेत, शेरू के लिए काम था। तो बड़े सामान वामान यहाँ पर रख लिया है, यह है बाजखेत मार्केट। तो बाजखेत की मार्केट में हम जा रहे हैं अभी, मोहनदा की दुकान में हम लगा हुआ है जोरदार वाला। जय हो मोहनदा की। तो बढ़िया, मार्केट में बस आ गई है और सामान वामान रखने का कार्यक्रम चालू है। देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है, झिमार पे गाड़ी रुक गई है, और यहाँ पर हम कुछ चटर बटर देखते हैं आगे रोकेगा नहीं रोकेगा। बहुत दिन बाद मिला आज ये हीरो, ये गुड़िया, क्या नाम है बाबू? संध्या। वाह। हेलो दीपू भाई, बहुत दिन क्या मुलाकात हुई, लग रहा है 24 साल हो गए। 24 साल हो गए आज, लेकिन मुलाकात मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आज बस में हम पहाड़ की बस में जा रहे हैं रामनगर की तरफ एक साथ, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मस्त मौसम, सुहाना मौसम है। पीछे बैठे हुए उछलते उछलते जाएंगे। भाई झिमार में रुक गई थी गाड़ी, और यहाँ पर अब चाय पानी पी लिया है, तो चार पाई पी के यहाँ से निकल रहे हैं अब रामनगर की तरफ को। तो भाई जब पहुँच गए मरचूला, और अब खाते हैं मरचूला के छोले, फेमस वाले। ये कुछ नहीं खा रहे, इनकी हालत टाइट है। और हाँ, एक मिनट, और इधर ये छोले भुन रहे हैं। भाई रामनगर पहुंच गया था, रामनगर से ले रहा हूँ मिठाई, और उसके बाद निकल रहे हैं अम्मा के रामनगर मार्केट। यहाँ बस स्टैंड पर उतरे थे, अभी हम ऑटो कर लिया है, वहाँ से ऑटो में बैठते हैं। भाई लड़की की हालत बन गई, डाउन डाउन है लड़की, डाउन। पहुंच गए हैं हम अब पीरूमदारा, और आज का सेफ लगा हुआ है हमारा भासु। अरे यार ऐसे आप बॉडी देखा बंदे, सोया हुआ इस सेफ को सोने के लाओगे दूसरा काम नहीं है। कहाँ से तू? पुरुरा। अम्मा जी भी आ गए, अम्मा जी का तो घोड़ाई फड़ाई पता नहीं क्या क्या साग बूत रखा है। के बूत रखा। यहाँ आने के बाद नहाना धोना हो गया है, और नहाना धोने के बाद अब नाश्ते की तैयारी चल रही है,
तो क्या बनाया हुआ आपको दिखाता हूँ। फसला देखो, यहाँ पर आ गया आलू लौकी की सब्जी और ये मैगी भी। ओ क्या बात है, मैगी की कौन खा रहा भाई, बच्चों का स्पेशल। ओहो बैठो। हाँ ये मैगी कौन खाएगा, मानो तू खाएगी वैसे खाएगी, वैसे तो नहीं खाएगी ना, वैसे का मन तो नहीं कर रहा था, कर दी कर रहा तेरा मन। तो दगड़ियों फाइनली भात बन गया दिन का, और आज के कड़ी चावल बनाया किसने बनाया भाई, सैफ योगी सैफ हैं। तो हमको लग रहा था योगी सैफ बनाएंगे, लेकिन खाना बनाया चाची ने, चाची ने बनाया, सही में चाची ने बनाया, और हमारी उम्मीदों में ये खरे नहीं उतरा, हमने सोचा ये बनाएगा आज का खाना। तो दगड़े पिछोर था वो भी आ गए थे यहाँ, ये देखो अब मानो पिला रही है पानी। तो गाइस सभी लोग उठ गए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और भासु भी तैयार है, ये योगी अभी सोया हुआ है। बाहर का मौसम बड़ा बिंदास हो रहा है, मैं चलता हूँ बाहर थोड़ा दिखाता हूँ। तो अब मैं आता और की छत में जा रहा हूँ, और छत से बाहर का जो मौसम हो ना वो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। हम गांव से रामनगर की तरफ आए, मतलब दिल्ली शहर की तरफ आए, तो पता चला कि गाँव में आज बारिश हुई थी, और जब तक हम गाँव में थे तो बारिश नहीं हुई, आज हम गाँव से इधर आ गए तो बारिश हुई थी। और यहाँ का मौसम भी कितना ज़बरदस्त बना हुआ है दिखाता हूँ, पीछे मेरे देख भी रहे होगे आप बादलों को, क्या ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। कुछ इस तरीके का मौसम यहाँ का आज हो रहा है, हवा और प्यारी चल रही है, देखो ये देखो, लग रहा है बारिश हमारे लिए वेट कर रही थी कि ये लोग जाएं फिर हम बरसें। तो पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो भाषा से मैंने बोला था मेरे लिए स्कूटी की व्यवस्था रखना, तो आज उसने स्कूटी रखी हुई थी, तो मैं अभी ये पीछे पूरा राउंड मार के आया, बड़ा मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखो ये कॉलोनी इनकी, भाई वैसु और मैंने अभी काफ़ी मज़े किए, घूमने गए थे हम ना, हमने बाहर घूमा, वैसु ने दौड़ लगाई, वैसु हार गई थी दौड़ने पर अभी भी हम घूम रहे हैं, बाकी लोग भी इधर घूम रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, बाकी इधर ये लोग गप्पे मार रहे हैं, ये देखो लोग पतंग उड़ा रहे हैं ऊपर। तो भाई खाना पीना हो गया है, और अब मानू और वैसु मेरे को राखी बांधने की, ये ले आई मानू, और अभी वैसु भी आ रही है। भाई अभी मेरी बहनें राखी ऐसी छुआ रहे हैं, बांधेंगे नहीं क्योंकि बांधेंगे कल मैं घर वहाँ दिल्ली जाके बांधूंगा, और अभी छुआ देंगे ऐसे ही, और मैंने कहा परंपरा निभा लो, बाकी मैं कल वहाँ जाके बांधूंगा, क्योंकि मुहूर्त का थोड़ा सवाल है ये। अभी मेरे को मिठाई खिलाएंगे, मिठाई लो, एक मिठाई दोनों वाला। बस दोनों फ्रिज में टाइट हो गया ना, फ्रिज में रखा था, अब एक नो पे तो ना हाला देखे तो ना किस भाई ना लगा इसके, तब जो मैं फिर एक नो दूंगा खाने की नहीं है, खाली खाली देख खाली खा लो यार, दोनों तो मांगना फिर बस 500, मैं सोचता था 2000 रुपए दूंगा, तो 500 बोल लिए, तो वहां से मांगना फिर, अभी तो मांग, मैं तो दूंगा ही दूंगा, अभी तो मांग पहले, ये 100 रुपए में तो मांग ही दिखा, दिखा असली है नकली है, अरे नकली तो होता है, दिखा तो ले, टाटा। चलो फिर।
लो गाइस चलते हैं यहाँ से, बाय बाय। वहीं कहते हम रामनगर रेलवे स्टेशन पे, और अभी यहाँ पर ये संपर्क क्रांति खड़ी हुई है, और हमारी वाली जो खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है आगे, वो आगे उस साइड खड़ी है, मैं भी देख के आया हूँ। तो चलते हैं हम यहाँ से उधर की तरफ को। तो गाइस हमारी वाली जो ट्रेन डब्बे लगे हैं वो आगे लगे हुए हैं, तो मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ, अब क्योंकि पहले यहाँ पर ये संपर्क क्रांति खड़ी हुई है और आगे जैसलमेर एक्सप्रेस, तो जैसलमेर एक्सप्रेस की तरफ चल रहा हूँ। पैक हो गए बिल्कुल। तो गाइस ये है हमारा S8 डब्बा नंबर, और अभी ये खुला नहीं है, तो हम इसके आगे खड़े हो गए, देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस सीट मिल गई है, मम्मी की सीट ये है, मेरी सीट ऊपर है, और अब यहाँ से हम बैठते हैं ऊपर सीट में, स्लेट जाते हैं हमसे। तो अभी ब्लॉग को अपलोड भी करना है और एडिट भी करना है, तो इस ब्लॉग को यहीं करता हूँ क्लोज, और मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। आज पहुंच गए हैं, और समझा आ रहा था लाला आ रहा था लेने के लिए, लाला पीछे आ रहा है मम्मी के साथ उधर।